सिरसा लोकसभा क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा ने बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज कर ली है, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर को मुंह की खानी पड़ी है। कांग्रेस की कुमारी सैलजा ने 2,67,000 वोटों से ये जीत दर्ज की है। और साथ ही आपको बता दें कि जहां एक तरफ बीजेपी में मायूसी है, तो वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर मुंह मीठा कराया जा रहा है और साथ ही दिन में आतिशबाजी करवाई जा रही है। तो बता दें कि कांग्रेस की ये ऐतिहासिक जीत सिरसा लोकसभा क्षेत्र से मानी जा रही है। आपको बता दें कि ये सीट हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ रही है, इनेलो का भी गढ़ रही है। सिर्फ एक बार यहाँ से बीजेपी ने जीत दर्ज की है, यहाँ से जब सुनीता दुग्गल चुनाव जीती थी पिछले लोकसभा चुनाव में, लेकिन इस बार फिर से एक बार कांग्रेस ने वापसी कर ली है। तो वहीं कुमारी सैलजा की भी ये वापसी देखी जा रही है, क्योंकि 25 साल बाद कुमारी सैलजा ने यहाँ से चुनाव लड़ा और अब भरपूर प्यार जो 25 साल पहले कुमारी सैलजा को मिलता था, वो अब फिर से मिलता हुआ नजर आया और वो वोटिंग के दौरान भी नजर आया था। और अब नतीजे भी साफ हो गए हैं कि इस बार सिरसा की जनता कांग्रेस को प्रेम करती है और इस बार कुमारी सैलजा के साथ है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।